कि किस तरीके से पूरे देश को केंद्र सरकार ने ठगा है और लूटा है। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया। हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है और इनके 10 साल की कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा। और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शहीद सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता विषम गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरोध षड्यंत्र रच रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों की के नाम ने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हां साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों,
आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और दो दो बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एनडीए को नहीं दिया। परंतु 2014 में एनडीए सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है, इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल एनडीए को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा। साथियों, झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है, इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को वर्तमान केंद्र सरकार के करतूतों के बारे में। अगर बातें शुरू की जाए तो रात और दिन कम पड़ जाएगा। आज आपके सामने देश के कई अनुभवी नेतागण मौजूद हैं, क्रांतिकारी युवा साथीगण हैं, जो आप सभी को कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से पूरे देश को केंद्र सरकार ने ठगा है और लूटा है। साथियों, हम जानते हैं झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आप सभी को याद होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ कि राज्य अलग होने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था, जिसे बड़ी संख्या में आदिवासियों आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कही जा रही थी। तो उस समय हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फल स्वरूप आज हमारे राज्य में परिसीमन लागू नहीं हो पाई। जब ये चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। 2025-26 तक के लिए इसको टाल दिया गया। यह विषय वर्तमान लोकसभा चुनाव के बाद फिर से राज्य के सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है और इनके 10 साल की कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है
वहाँ के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है। आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। ये है इनका आदिवासी प्रेम। लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्षों तक ठगा गया और अंत में छठी अनुसूची घोषित करने से मुकर गई। आज वहां के भयानक ठंड में भी लोग शून्य की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका आदिवासी प्रेम। साथियों, देश में शेड्यूल्ड एरिया पर इनकी गिद्ध नजर है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून लागू हैं, जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन एक्ट इत्यादि। अगर एनडीए सरकार 2024 के चुनाव जीतती है तो राज्य और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बचाना है। साथियों, झारखंड में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे सरना धर्म कोड राज्य में लागू किया जाना, खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाना, पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, स्थानीय भाषा और संस्कृति को पहचान दिलाने का कार्य करना इत्यादि। मैं इन विषयों पर विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, पर यह कहना चाहूंगा कि ये सभी चीजें तभी लागू होंगी जब केंद्र की पूंजीपति और तानाशाह सरकार को केंद्र से बेदखल किया जाए। साथियों, मैं अपना यह संदेश समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि झारखंड वीरों की धरती है। हमेशा से झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने राज्य के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, अपने संघर्षों का लोहा भी बनवाया है। झारखंड के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो हासिल ना हो जाए। आज उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि वर्ष 2000 में गुरुजी के नेतृत्व में हमें झारखंड राज्य मिला और उसी संघर्ष से ही राज्य अलग होने के बाद हम लोगों ने राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाई और अब मजबूत उलगुलान की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।